हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा बेटू भी अच्छा है। यहाँ आओ बेटू, यहाँ आओ, यहाँ सुनो तो पहले, मम्मा को सुनो। यहाँ के हम, इधर आओ बेटा, यहाँ आओ, यहाँ पे आओ। तो मैं जस्ट अभी बाल धुल के आई हूँ क्योंकि मैंने कल अपने हेयर कट करवाए थे, मतलब लेज़र कटिंग कटवाई है। बहुत मतलब वो मोटे तो होते नहीं थे, सिर्फ लंबाई लंबाई बस हो रही थी। तो ये देखिए, हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए देखिए, तो मैंने कल हेयर कट करवाए हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को तो नहीं पसंद है, लेकिन अब मुझे पसंद है इसलिए मैंने कट करवा ली है। तो बस वही हेयर वॉश करके अभी मैं आई हूँ। तो मैं कल जो सामान लेके आई थी, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे बाबू के लिए मैंने टिफिन लिया, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तो ये स्कूल जाएगा, इसके लिए लंच बॉक्स पर लेना जरूरी था। क्यों बाबू, ये लो अपना लंच बॉक्स। और मैं एक टब लेके आई हूँ, ये देखिए, जैसे थोड़े बहुत जैसे कपड़े उपड़े धुलो या फिर जैसे कुछ कार्यक्रम होता है, डल गया तो खराब हो जाती हैं जो उसकी होती हैं पास की। हमारी शादी में आई थी काफ़ी सारी डलियाँ, लेकिन वो ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए, एक मैं टब लेके आई हूँ। और ये टब हो गया, और यहाँ पर मैं एक डलिया लेकर के आई हूँ सब्जी रखने के लिए। अच्छी होती है इसकी, देखिए प्लास्टिक भी अच्छी है। ये देखिए, ये देखिए, इसकी प्लास्टिक भी अच्छी है। तो ये डलिया लेके आई हूँ, और मैंने यहाँ पे लिए हैं पैरदान। ये देखिए, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। दो मैंने एक कलर के लिए है और एक मैंने अलग लिया है, क्योंकि जैसे मैंने मतलब एक किचन में डालने के लिए और दो रूम में, तो दो रूम में सेम सेम हो जाएंगे, किचन में अलग कर दूंगी। तो ये लेकर के आई हूँ, और ये नाश्ता वाली दो प्लेट लेके आई हूँ। ये देखिए, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको देने के लिए अच्छी रहती हैं, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। वैसे मेरे पास बहुत सारी रखी हैं, लेकिन मैंने ले ली। और ये एक मैं शावर बॉक्स लेके आई हूँ, इसमें सॉक्स रखेंगे, बाबू की शॉप से अलग रखने पड़ते हैं इसलिए मैं अलग लेके आई हूँ इसके लिए। बाबू मेरा बहुत परेशान करता है, और मैं बाबू के लिए ये क्लिप लेके आई हूँ, क्योंकि अभी ये बड़ी हो गई है, अब इसके बाल भी बड़े हो गए हैं, मुझे भी बाल नहीं लगानी पड़ती, इसलिए मैं एक क्लिप लेके आई हूँ। और ये एक क्लेचर, ये देखिए, एक क्लेचर लेके आई हूँ। सिंपल ही लगाती हूँ मैं, इसलिए अब तो मैंने बाल कट करवा ली इसीलिए, तो अभी तक क्लेचर कहाँ लगाऊंगी। वैसे पूजा वूजा में काम आ जाता है, तो मैं पूजा में भी रख लेती हूँ। पूजा में श्रृंगार का सामान करवाना होता है, तो इसलिए मैं सामान एक्स्ट्रा ले लेती हूँ जो मुझे यूज नहीं करनी होती है, तो कभी कभी मैं उनको पूजा में चढ़ा देती हूँ। और मैंने ये मोटी वाली रिबन, ये जैसे जुड़ा उड़ा बनाओ तो उसमें सही रहती है मोटी वाली रिबन, इसमें एक मैंने रिबन लिया है। और एक चम्मच स्टैंड लिया है, क्योंकि जैसे छोटी छोटी सी कर्छुल हो जाती हैं तो उसमें टांग में मतलब रखने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए रखने के लिए ये लिया है। और तो ये हैंगर हो गया एक, और मैंने एक ये लिया है, इसे यहाँ से हम आलू भी छील सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लेड लगी है, ये देखिए ये ब्लेड लगी है, और यहाँ से हम कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक ये ले लिया, क्योंकि मेरा जो जिससे हम अदरक क्रश करते थे ना, तो वो मेरा टूट गया है, इसलिए मैंने ये ले लिया है। और एक मुझे अच्छी लगी छोटी सी, मैंने एक कलछुल ले ली है, ये देखिए छोटी सी। मैंने एक लाइटर खराब, मेरा लाइटर भी अब ख़राब होने वाला है, जब मैंने गैस खरीदी थी तभी का है, तो शायद अब बीच बीच में मतलब जलता नहीं है, इसलिए मैंने एक लाइटर भी ले लिया है। और ये बाबू का खिलौना है, ये बजता तो था, लेकिन ये देखिए अब पता नहीं क्या हो गया, इसमें बजता नहीं, चश्मा उश्मा लगाए, बाबू का खिलौना है ये। और ये बाबू के लिए मैंने रिबन ली है, सिंपल रहती है, अच्छी लगती है, और चलती भी हैं काफ़ी दिनों तक, इसलिए मैंने ये रिबन ले लिया है। और कान साफ करने के लिए मैंने ये स्टिक भी ले ली है मैंने। इसमें 100 पीस रहती हैं, ये मुझे 5 रुपए की पड़ी, फिर तो मैंने ले लिया।
बस मैं इतना ही सामान लेके आई थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। और कैसा लगा मेरा वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग मतलब ऐसे ही साथ देते रहेंगे मेरा तो मैं भी शायद आप लोगों की तरह ही आगे बढ़ पाऊँगी, वरना ऐसे तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। चलिए मैं फिर आपको आपके लिए फिर कल एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगी, तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन मंगल।